नमस्कार, रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज ये आपकी जो क्लास है ये लोअर मेंस की पहली क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग पहला अपना चैप्टर शुरू करेंगे क्लॉक से। ठीक है, आप सभी लोग जान रहे हैं, जो लोग इसमें इनरोल्ड हो उसके लिए, और जो लोग अभी तक नहीं इनरोल्ड हुए हो वो हमारी टीम के द्वारा दो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं मेंस के अकॉर्डिंग। पहला आपका पूरा फुल कोर्स है, जिसके अंतर्गत आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें से आपका ये रीजनिंग का पहला लेक्चर, जिसे आप बोल सकते हो डेमो लेक्चर्स, है आपका। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको 25 प्लस टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको सब्जेक्ट 7 जो है आपके सब्जेक्ट वाइज हो गए, बाकी आपके 8 जो होंगे फुल लेंथ होंगे, पेपर 1 पेपर 2। तो फुल आपका जो कोर्स है ये काफी आपको फायदा करेगा। इसमें क्या है कि आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हमारे टीम द्वारा आपसे प्रैक्टिस कराया जाएगा। और ये एग्जाम मेनली, क्योंकि आप लोग प्री क्वालिफाई कर मेंस में आए हो, तो सबसे ज्यादा आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है कि आप मेंस को कैसे क्वालिफाई करोगे। तो टीम ने यही डिसाइड किया कि फुल कोर्स में सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, पर डे बेसिस पे प्रैक्टिस है। इस पे इसका जो शेड्यूल दिया गया आप लोग हमारे फेसबुक से टेलीग्राम से देख सकते हैं। चलिए, देर ना करते हुए हम सेशन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा आपके पेपर में। अगर बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो आप सभी लोग जान रहे हो कि जो प्री में, क्योंकि आप सभी लोग प्री दे के आए हो, तो प्री में जो इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन था, ठीक है, वो कितने थे? 25 क्वेश्चन थे इस सेक्शन से। और मेंस में भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 25 ही आ रहे हैं आपके मेंस में। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है इस सेक्शन में। 25 प्री में भी थे आपके और 25 मेंस में भी हैं। ठीक, जो बढ़ोतरी हुई है वो आपके मैथ सेक्शन में हुई है। ठीक है, अब इस 25 क्वेश्चन में जो डिस्ट्रीब्यूशन देख लें प्री का, कहा गया है सिर्फ उच्च स्तर के प्रश्न होंगे। क्या 25 के 25 उच्च स्तर तो प्रश्न होंगे नहीं। और रीजनिंग में मैंने जब भी क्लास लिया है, मेरी पुरानी क्लास भी देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़ी है, मैं कहा हूं कुछ भी रीजनिंग में उच्च स्तर होता नहीं है। सिर्फ डिपेंड करता है आपके वहां पे प्रैक्टिस कितनी है, आप क्वेश्चन को कितना जल्दी, कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी होता है। ठीक है, हाई लेवल क्वेश्चन नहीं होता, लेंदी होता है। कितना जल्दी इस लेंदी क्वेश्चन को आप शॉर्ट फॉर्म में समझ जाते हो और कितना सही अपना आउटपुट एग्जाम में देते हो, मेनली ये फोकस होता है। तो आपको जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दिखा था पेपरों में, वो हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आपको क्या दिखा था? डाटा सफिशियंसी। ये इस समय TCS जो एजेंसी है उसके तहत उसका UPSSSC में खासकर फेवरेट हो गया है। अब इस डाटा सफिशियंसी में हो सकता है आपसे मैथ से क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है कुछ रीजनिंग के टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी और कुछ नहीं होता, जितना आप पढ़े हो, चाहे वो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका एजेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे डिस्टेंस डायरेक्शन हो, उन सभी को शामिल करके आपका ये डाटा सफिशिएंसी पूछता है। पजल का फॉर्म हो, अरेंजमेंट फॉर्म हो, कुछ भी, आप A to Z जो रीजनिंग में पढ़ रहे हो, चाहे मैथ में A to Z, चाहे देखियो प्री में क्या हुआ था, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें डाल दिया था। ठीक है, तो डाटा सफिशिएंसी मेनली छोटा सा क्वेश्चन होता है, बहुत लंबा नहीं होता, बहुत बड़ा नहीं, मैथ के एकदम सॉल्व करने वाला आ जाए ऐसा। उसमें दे देगा स्टेटमेंट कि कौन सा सफिशियंट है कौन सा नहीं, ये सब आप लोग जान चुके हो और प्री क्वालिफाई करके आए हो, मुझे इसे सब बताने की जरूरत नहीं है। मेंस की बात करें तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं पेपर में, मैं सर्टेन तो नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाजा यही है कि जो प्री के अकॉर्डिंग था वैसे ही कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो उसके टॉपिक हैं जहां से वो क्वेश्चन अच्छा फ्रेम कर सकता है वो आपको देगा। 25 कहने का होता है, इसमें +2 और कर दो तो 27 क्वेश्चन। +2 क्यों? क्योंकि किसी किसी जो है आप सेट में देखे होंगे, किसी किसी जो आपका स्टेज था, जैसे पहले पहले दिन 2 पेपर हुए, फिर दूसरे दिन 2 पेपर हुए, 31 को और 1 तारीख को, तो उसमें क्या होता है मैथ्स वाले सेक्शन में आपके ये 2 क्वेश्चन जो क्लॉक और कैलेंडर के पूछे जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर किसका है किसी भी किताब में देख लो तो ये रीजनिंग का चैप्टर है। डिफरेंट एग्जाम में ये TCS ही डिफरेंट टाइप में पूछता है। SSC में चले जाओगे तो इसे रीजनिंग सेक्शन में डालता है, आपके UPSSSC में मैथ के सेक्शन में इसे डाल दिया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये जो 2 क्वेश्चन है ना, क्लॉक और कैलेंडर में, जिसमें एक पहला है क्लॉक क्वेश्चन। क्लॉक से एक क्वेश्चन आता है और जिस फॉर्मेट का आता है मैं वही आज शुरुआत करूंगा। ये नहीं कि आपसे मैं वो
शुरू कर दूं कि जो आपसे पूछता ही ना हो, उस टाइप के क्वेश्चन उसे हम पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे, मगर मेनली फोकस यही रहेगा कि सबसे ज्यादा एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज से पहले, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किससे एग्जामिनर क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता है उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है आपका रीजनिंग में, वो है क्लॉक का, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके जो फॉर्मेट बनते हैं क्वेश्चन का, इसमें हम पढ़ेंगे एंगल डिटरमिनेशन। क्या पढ़ेंगे? एंगल डिटरमिनेशन, कि हम कोण कैसे निकालें क्लॉक में। दूसरा आपका बनेगा इसी में, हो सकता है आज ही में, टाइम डिटरमिनेशन पढ़ेंगे कि टाइम कैसे निकालें। अब बोलोगे सर ये कैसा होता है, ये सब आप लोग मेंस क्लियर किए हो, मेंस में आए हो, तो एंगल डिटरमिनेशन जानते हो, एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि आपका कोई भी टाइम दिया रहेगा और बोलेगा कि आप दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ, डिस्टेंस बताओ, न्यूनतम कोण बताओ, तो आप उस केस को क्या कहोगे? एंगल डिटरमिनेशन। और दूसरा जो केस है वो है टाइम डिटरमिनेशन। और तीसरा जो हमारा केस बनेगा वो क्या बनेगा आपका? एरर वाला, कि घड़ी में अगर एरर आ जाए तो वो क्या होता है, या तो स्लो होता है या तो फास्ट होता है। और चौथा जो केस आ जाएगा वो हम देखेंगे आपका इमेज वाला सेक्शन। ठीक है, कि आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज, इसे मैंने लास्ट में इसलिए लिखा रखा है आप लोगों के लिए कि इससे आपसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है एग्जाम में। देखो बनता नहीं मतलब क्या, आपके बुक में आपके चैप्टर में क्वेश्चन होगा, लेकिन अभी तक जो देखा गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ये यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से उठाता है, एंगल डिटरमिनेशन से। सिंपल क्वेश्चन होता है, सेकंड में लगने वाला होता है, इसीलिए ये एक क्वेश्चन आपका ये चैप्टर जो है 2 नंबर दे के जाएगा आपको, पक्का है। रीजनिंग में नहीं तो मैथ में दे के जाएगा, ये नोट कर लो कि यहां से 2 नंबर आपको आने वाला है किसी ना किसी आपके टर्म में। बोल तो पहला देख लेते हैं हम एंगल डिटरमिनेशन, जिससे आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन 1-2 नंबर आपका फिक्स होता ही होता है मैथ सेक्शन में यूपी ट्रिपल एससी का। तो एंगल डिटरमिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं आज, एंगल डिटरमिनेशन। आपको क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछता है, कि कोई भी टाइम दे देगा और इसमें पूछेगा आपसे कि कितने अंश के कोण के डिफरेंस पे दोनों हैं, कितनी दूरी पर हैं, उसी सबको देखेंगे। कुछ बेसिक इसका बता देते हैं, बेसिक तो मैं जान रहा हूं आप लोग को सब पता है, लेकिन सुन लो मेरी भी बात कि क्या बेसिक है इसका और कैसे हम इसे शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। तो देखो ये आपकी घड़ी होती है, फिगर पे मत जाना, ठीक है, ये घड़ी है आपकी, यहां है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब मैं बात करूं कि एग्जैक्ट मेरे घड़ी में, मैं कंडीशन ले रहा हूं कि 12 बज रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मेनली ये होता है कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल आ गया कि कौन घड़ी कितनी स्पीड, सब अगर सभी सुइयों की स्पीड आपको पता चल गई तो आप क्या करोगे, आंसर निकाल ले जाओगे। तो स्पीड निकालना है हमें, तो स्पीड निकालने के लिए हम बात करेंगे पहले मिनट हैंड के बारे में, किसके, जो मिनट हैंड है उसके स्पीड की बात करें। तो अगर मिनट हैंड यहां है बच्चों, तो अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस घड़ी को कवर करने में कितना टाइम लेगी, एक मिनट हैंड पूरा घड़ी कवर करने में, देखो यहां से तो 5 मिनट 10 मिनट 15 20 25 30 40 मतलब 60 मिनट में कहा जाए तो ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगी। और डिस्टेंस कितना है, एक सर्किल का डिस्टेंस है, एक सर्किल का डिस्टेंस मतलब 360 डिग्री, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, इतना तो सब पता है सबको। और एक मिनट में बोला जाए अगर स्पीड कितनी होगी, जैसे निकालते क्या हो गाड़ी की स्पीड, क्या बोलते हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी, वैसे ही एक मिनट में ये कितना चलेगी, वो 360/60 करोगे तो यहां से आ जाएगा 6 डिग्री, मतलब कि 6 डिग्री हर एक मिनट में ये चलती है, इसकी रफ्तार है। अगर बात कर लें आवर हैंड की, ठीक है, कि आवर हैंड की स्पीड क्या होगी, तो देखो आवर हैंड यहां पे है, अब इसे एक घंटे में यहां पे 1 पे आएगा, दूसरे घंटे में 2 पे आएगा, तीसरे घंटे में 3 पे आएगा,
चौथे घंटे में 4 पे आएगा, ऐसे पूरे 12 पे आते समय इसे 12 ही घंटा होगा पूरा कवर करने में, तो 12 पे से चल के फिर से 12 में आने पे इसे कितना टाइम लग जाएगा? इसे टोटल 12 घंटे लग जाएगा, और ये 12 घंटे में 360 डिग्री चलेगी। सुस्त सुई है ये, क्योंकि ये 60 मिनट में 360 चलती है और ये 12 घंटे में 360 चलती है। आप लोगों की तरह ये भी क्या है? सुस्त है। चलिए, तो एक घंटे में ये कितना चलेगी? ये 360 डिग्री अपॉन 12 चलेगा, 12 36 मतलब 30 डिग्री प्रति घंटा के रफ्तार से ये चलेगी। इसका जो रफ्तार है, बोला जाए कि 30 डिग्री प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी। मिनट में बात करें, क्योंकि हमने इसका एक मिनट में निकाला है कि एक मिनट में 6 डिग्री के हिसाब से चलेगी, तो अगर इसका एक मिनट देखें तो 1 आवर की जगह हम 16 मिनट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, और जहां ये 30 है ये सेम रहेगा। तो एक मिनट में ये क्या हो जाएगा बच्चों? 30 अपॉन 60, मतलब कि आ जाएगा यहाँ पे हाफ डिग्री इन कितना, ए 1 मिनट, पर मिनट ये आपकी हाफ डिग्री चलेगी। तो यहां ध्यान रखो, ये एक आधा डिग्री हर एक मिनट में और एक घंटे में 30 डिग्री चलती है। ठीक, आगे बात कर लें आपका, इसी में सेकंड का भी निकाल लो। ऐसे कुछ जगह आपसे पूछ देता है कि सेकंड की सुई यहां से यहां जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, तो सेकंड का क्या है आपका, पूरे एक 60 सेकंड की बात करें तो 60 सेकंड मतलब एक मिनट, एक मिनट में ये पूरा 360 डिग्री डिस्टेंस कवर कर लेती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं 360 डिग्री पर आपका क्या मिनट, इसका जो चाल होता है। तो सबसे तेज इसकी चाल से चलो, सबसे तेज किसकी चाल होती है? सेकंड वाली सुई की चाल होती है। 360 डिग्री पर सेकंड जो है आपका, पर मिनट बोल सकते हो, ये चलती है। अब क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है, ठीक है, पहला एक टाइप बनता है आपका कि सिंपल से क्वेश्चन पूछ दे आपसे एग्जाम में कि बच्चों 3 से लेके, ठीक है, 3 से लेके 6 बजे तक आवर हैंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्वेश्चन क्या है, नोट आउट कर लो कि 3 से लेकर 3 PM, मान लो मैंने बोला 3 PM से लेकर कहां तक, 6 PM तक आपकी आवर हैंड होगी, जो आवर हैंड होगी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस मतलब कि आपका क्या निकालना है, घड़ी में डिस्टेंस जहां आपसे बोला जाए, दूरी पूछा जाए, तो ये समझ लेना वो थीटा एंगल ही पूछ रहा है आपसे। दूरी मतलब क्या है, ये जब ऐसे टिकटॉक टिकटॉक करके चलेगी, अब गाना ना सुन लेना, टिकटॉक टिकटॉक करके चलती है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। वो डिस्टेंस आपको कहां से आएगा, जो ये आपने निकाला है वहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। 3 से 6 का पूछ रहा है कि आवर हैंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 3 से 6 के बीच में कितने घंटे होंगे, 3 से 4 जाओगे 1 घंटे, 4 से 5 जाओगे 2 घंटे, और 5 से 6 जाओगे तो 3 घंटे, मतलब 6 में से 3 घटा दें तो हमारे पास 3 घंटे आए, तो 3 आवर आया। तो 3 घंटे में आवर आपके हैंड है वो कितना डिस्टेंस करेगी, देखो एक घंटे में 30 डिग्री चलती है तो 3 घंटे में कितना चलेगी, तो 3 × 30 कर दोगे तो 3 × 3 90 हो जाएगा, मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का डिस्टेंस ये कवर करेगी। अगर यहीं पे क्वेश्चन में आवर हैंड की जगह आपका क्या होता, मिनट हैंड होता, तो क्या होता, मिनट हैंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 3 से 6 आने में मिनट हैंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो 3 से 6 आने में मिनट हैंड जो होगी आपकी वो कितना, 3 घंटा है, ठीक है, 3 आवर है, इसका जो स्पीड है एक मिनट में आपका कितना है, 6 डिग्री है। तो आप क्या करो, वो 3 घंटे को किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट में कर लो, हर एक घंटे में 60 मिनट, तो कितना मिनट हो जाएगा, 6 के 12 6 3 के 18, मतलब 180 मिनट हो जाएगा। और 180 मिनट होगा तो आप स्पीड निकाल लोगे, क्योंकि एक मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 180 मिनट में कितना चलेगी, तो × 6 कर दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये,
आपका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48, 4 8 4, 8 के बाद 9 10 जो 80 होगा, ठीक है, 48 और 6 कम 6 4 10 आपका हो जाएगा। तो 1080 आपका ये डिस्टेंस क्या है, ट्रेवल करेगी, ये आपका आंसर होगा। चलो ये तो हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन इस टॉपिक से कि डिस्टेंस ट्रेवल आपसे पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे किसी भी सुई का, क्योंकि यही फैक्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछता जो एग्जाम में मैक्सिमम, वो क्या पूछता है वो याद रखो, वो पूछता है आपका जिसकी बारे में हम बात करें वो है टाइप 2 वाला पोर्शन। इसमें क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है बच्चों, एक टाइम दे देगा कि सपोज करें हम 8:20 हो रहा है, आप दोनों घड़ियों के बीच का, ठीक है, दोनों घड़ियों के सुई के बीच का डिस्टेंस बताइए। क्या बताइए? डिस्टेंस, दोनों सुइयों के बीच का डिस्टेंस बताइए, हो सकता है पूछ ले, या आपसे डायरेक्ट पूछ ले आप एंगल बताइए, न्यूनतम कोण या अधिकतम कोण जो भी हो आप बताइए। तो इस केस में हमें वही काम करना है, हमें ज्यादा सोचना नहीं है, हम ये सोचें कि हमारी ये जो घड़ी है, ठीक है, ये जो घड़ी है हमारी, एक कंडीशन मान लें यहाँ पे हम 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, कि हमारी घड़ी मान लें हम ये 12 पे थी, सब पूरा आइडियल कंडीशन। तो 8:20 पूछ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, बेसिक तरीके से हम देखें तो आवर एंड का हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो 8 बजे तक, अगर मैं 12 बजे हूं और 8 बजे तक आवर एंड कितना ट्रेवल कर लेगा, डिस्टेंस टोटल कितना ये ट्रेवल कर लेगा उसकी बात करें, तो 12 से 8 आने में कितना घंटा लग गया, 8 घंटा लग गया, लगा कि नहीं लगा, लगा ना, तो हर एक घंटे में आवर हैंड कितना चलती है, 30 डिग्री, तो 8 घंटे में कितना चलेगी, 8 3 के 24, 240 डिग्री चलेगी, हाँ पक्का चलेगी जब स्पीड इसकी यही है। तो एक चीज और बात, मैंने आपको आवर हैंड में ही और एक चीज निकाला था कि मिनट में, आवर हैंड जो हमारा होता है इसका जो मिनट में जो चाल चलती है, एक मिनट में कितना चाल चलती है, 1/2 डिग्री चलती है, ये भी ध्यान रखना। तो यहां देखो बच्चों 20 मिनट दिया हुआ है ना, तो इस 20 मिनट में भी तो आवर हैंड में कुछ बदलाव होगा, जैसे 8 घंटे में तो यहां से डायरेक्ट यहां जब चल के आई तो ये डिस्टेंस हो गया आपका, जब यहां पे सुई आ जाएगी आपकी 8 पे, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर किया इसने 240 डिग्री, लेकिन ये 20 मिनट और एक्स्ट्रा है, तो 20 मिनट के वजह से आवर हैंड में कुछ बदलाव होगा, कुछ टसमस होगी, वो कितना होगा, ये 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलता है आवर हैंड, याद रखना। तो 20 मिनट में आपका कितना चल जाएगा, 20 × 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री चलेगा, मतलब कि 10 डिग्री और ये चलेगा, तो वो 10 डिग्री यहां प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अब जो आ जाएगी आवर हैंड की वो 250 डिग्री आ जाएगी। अब यही बात कर लेते हैं मिनट हैंड की, कि आपका जो मिनट हैंड है वो कितना आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो डिस्टेंस मिनट हैंड जानते हो, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, निकाला था हम लोगों ने, तो बस वही बात है, यहां पे मिनट कितना है 20, तो 20 मिनट में 6 × 12 120 डिग्री चलेगी। अब भैया देखो, कोई किसी का स्पीड इतना तेज है कि 250 किलोमीटर पहुंच चुका है और कोई 120 किलोमीटर ही अभी तक चला है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बताया है, सपोज करें हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये आवर एंड पहुंच गया कितना, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 250 का, मगर मिनट हैंड अभी भी कहां पे है, यही बीच में है, कितना 120 डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अब पूरे में से आप इस वाले डिस्टेंस को घटा दोगे तभी तो आएगा, तो हम कहेंगे कि 250 में से 120 घटा देंगे तो यहाँ 0, 5 में से 2 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 130, तो यहाँ जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 130 डिग्री का आएगा, और यही डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कहा जाए कि यही आपका कोण हो जाएगा थीटा। इसमें क्या होता है, आप जब घड़ी में एक थीटा निकाल लेते हो तो दूसरा आपका एक एंगल और बनता है, ये तो बना ही बना 130 डिग्री ये तो होगा ही होगा, एक और कोण बनेगा, उसे हम देख लें कौन सा कोण और बनेगा। देखो मैं जब टाइम बजा रहा हूं उसमें कितने का,
आठ, 20 बोला गया ना आपके क्वेश्चन में, तो देखो ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 20 की बात की गई है। 8 20 में मतलब घंटे वाली सुई कुछ यहां होगी, बड़े के होगी, और चार पे होगी आपकी मिनट वाली सुई, ये 8 20 होगा। तो अभी आया 130 डिग्री, तो हम मान के चले ये जो हमारा आया 130 डिग्री, इनके बीच का डिस्टेंस आ गया, और एक कोण और तो मिलेगा इन्हीं के बीच का। बोला है कि हमें दो घड़ियों के दोनों सुइयों के बीच का डिस्टेंस बताओ। अगर बाय द वे थीटा आपका आया 130 डिग्री और आपके ऑप्शन में कहीं 130 डिग्री है नहीं, तो क्या कहोगे क्वेश्चन गलत है? नहीं, एक और कोण बनता है जो वो भी उन्हीं दोनों के सुइयों के दोनों के बीच का होता है। वो कौन सा कोण बनता है? ये वाला थीटा बनता है, जिसे हम थीटा एम के नाम से डिनोट कर दें, थीटा मैक्सिमम कर दें। अब ये पूरा आप जानते हो 360 डिग्री का होता है, हमें एक थीटा पता चल गया 130 डिग्री, उसमें से माइनस कर दें तो 6 में से 3 जाएगा, 3 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है? तो 230 डिग्री आपका क्या आ जाएगा? थीटा एम आ जाएगा, जिसे हम मैक्सिमम बोल सकते हो। तो ये भी एक कोण हो गया और ये भी एक कोण हो गया। अगर आपका ऑप्शन में 130 डिग्री नहीं दिया वहां पे उनके बीच की दूरी, तो आप क्या लगाओगे? अगर 230 दिया है तो 230 आंसर लगाओगे, कहोगे ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है? तो ये याद रखना, अगर आपके पास कोई भी एंगल निकालते हो उस समय आपका एक एंगल निकलेगा, तो आपका बाय डिफॉल्ट दूसरा एंगल भी निकल जाएगा, क्योंकि पूरा सर्किल 360 का होता है। एक एंगल पता चल गया तो हमारा उसका जो दूसरा पहलू होगा वो भी एंगल हमें पता चल जाएगा, ठीक है? तो मेनली जब आपका डिस्टेंस की बात करें तो हमें थीटा निकालना होता है। तो यहां तो हम देख लिए हैं कि आवर रेंट ज्यादा चली थी इसलिए वहां से माइनस कर दी। तो यही दो केस बनता है बच्चों। देखो अभी आवर हैंड यहां ज्यादा है, मिनट हैंड कम है, तो हमने किसे? आवर हैंड से मिनट हैंड को माइनस कर दिया। कुछ सिचुएशन ऐसा आएगा टाइम हमारा कि क्या होगा आपका, जो मान लो ये टाइम है ठीक, तो मिनट हैंड हमारा आगे होगा और आवर हैंड हमारा पीछे होगा, ठीक? तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम मिनट वाले, क्योंकि जो ज्यादा चलेगा उससे हम माइनस कर देंगे, उसी से माइनस कर देंगे। सपोज करो अभी 8:20 हो रहा था, अब 8:40 आपका 50 मिनट हो जाए, तो 50 मिनट मतलब कहां पहुंच जाएगा घड़ी? 35:45 10:50, ठीक है? यहां 9 के अप्रोक्स पहुंच जाएगा, ठीक है? मिनट हैंड 8:50 पे आपका 35:45 45, और ये आपका कहां पहुंच जाएगा? 50 यहां पहुंच जाएगा, ठीक है? यहां 11 पे सुई पहुंच जाएगी मिनट वाली। तो इस केस में देखोगे कि मिनट वाली हैंड जो है आवर वाले हैंड से ज्यादा है, तो यहां केस में क्या होगा? मिनट से हैंड वाले को घटा दोगे। तो इसी बेसिस पे एक फॉर्मूला तैयार होता है। क्या आप एग्जाम में ये करोगे हर एक एक का निकाल के? नहीं ना, इतना टाइम थोड़ी है दो मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो भी। तो आपको एग्जाम में ये जो करना है वो इसी पे डिपेंड होता है। कभी एच माइनस एम होता है, एम माइनस एच होता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो। थीटा डिस्टेंस बोल सकते हो उसको। थीटा डिस्टेंस बराबर क्या होगा आपका? मॉड में 60H - 11 मिनट / 2। ये फॉर्मूला आपका वसी जो मैंने बेसिक मेथड बताया उसी से। अब मैं उसे प्रूफ करके आपको नहीं दिखाऊं, क्योंकि प्रूफ प्रूफ तो आता नहीं हो, कक्षा 10 के छात्र तो हो नहीं, ठीक है? आपको मेंस में सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब है, तो प्रूफ करके क्या जानोगे? ये जान लो कि वो मेथड ही आपका बेसिक था, और यहां से वो एक फॉर्मूला डेराइव होता है जिसे आपको याद रखना है सिर्फ एंगल डिटर्मिनेशन के लिए। और इसी फॉर्मूले से जब टाइम डिटर्मिनेशन याद करोगे तो ये मिनट हमें वहां निकालना होता है, तो इसी फॉर्मूले से आपका टाइम डिटर्मिनेशन भी आ जाता है। चलो अब इसमें हम बात करें, क्वेश्चन दिए थे हम आपको 8 20, जिसको हमने बेसिक मेथड से बताया। अब यहां से आपको निकालना है तो क्या करोगे? टाइम जहां एच है वहां आवर लिखोगे, जहां एम है वहां मिनट लिखोगे। ये एच होता है, ये एम होता है, पता है कि नहीं पता है? पता होगा, घड़ी में तो इतना सब जानते ही हो, इतना बड़े होगा। तो यहां 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 * यहां 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ से डिवाइड कर देंगे। मॉड मैंने इसलिए लगा दिया कि आपका यहां मैंने लिया है एच माइनस एम वाला केस, मतलब जब हावर एंड आपका मिनट से ज्यादा हो तब माइनस।
मगर ऐसा तो हर केस में होता नहीं है, आपका कभी कभी मिनट हैंड भी तो आवर हैंड से ज्यादा होगा, तो एम माइनस एच, तो हमें दो फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं। मॉड मतलब अगर निगेटिव में भी आपका आंसर आता है तो वो पॉजिटिव होकर आएगा आंसर, इतना ध्यान रखना हमें आंसर से मतलब है, ठीक है, निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो 8 × 6 = 48 मतलब 480 माइनस में कितना आ जाएगा, 11 × 22 220, यही आएगा। तो 220 माइनस करोगे यहां से तो ये 6 हो जाएगा, यहां 4 में से 2 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आया क्या 260/2, ये आया मॉड में थीटा की वैल्यू, ठीक। अब इसे हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 130 आ गया, तो वहां भी 130 आया था और यहां भी 130 आ गया। तो अगर एक थीटा आपका निकल गया तो दूसरा थीटा निकाल सकते हो, एक एंगल और क्या होगा आपका 360 में से 130 को माइनस कर दोगे तो कितना आपका आ जाएगा कि 6 में से 3, 360 में से 130 माइनस कर रहे हो तो 0, 6 में से 3 जाएगा 3 और आपका 3 में से 1 जाएगा 2, तो 230 डिग्री भी उन्हीं दोनों के सुइयों के बीच का डिस्टेंस है और 130 डिग्री भी उन्हीं दो सुइयों के बीच का डिस्टेंस है। आपको सिर्फ देखने में अंतर होगा कि अगर आपका ये वाला डिस्टेंस है तो 130, अगर ये वाला डिस्टेंस है मैक्सिमम वाला पूछ ले तो आपका 230, वो डिपेंड करता है, अगर आपसे डिपिक्ट किया कि मैक्सिमम एंगल बताओ तो 230, अगर मिनिमम बताया पूछा तो 130, अगर कुछ भी क्वेश्चन में डिपिक्ट नहीं किया है बोला है कि इन दोनों के बीच का कोण बताइए, दोनों सुइयों के बीच का, अगर ऑप्शन में 130 नहीं है तो 230 मारोगे और 230 नहीं है तो जब 130 प्रेजेंट होगा इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा ही होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसी के साथ ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि आपको एंगल कैसे फाइंड करना है, इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि थीटा बराबर 60h माइनस 11 मिनट अपॉन में 2, यहां रख लो, आपको हर क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जो यहां से आंसर नहीं मिलेगा। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना है, बाकी प्रैक्टिस तो हम कराएंगे ही कराएंगे आपको, किसके फॉर्म में, पर डे बेसिस पे जो प्रैक्टिस हो रही है उस पे। अगला हमारा जो था, हम बात करते हैं टाइम डिटर्मिनेशन की, कि टाइम डिटर्मिनेशन बच्चों हम कैसे सीखेंगे कि टाइम डिटर्मिनेशन क्या होगा हमारा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया थीटा बराबर 60h माइनस का 11/2m, यहां मिनट है, तो इसी फॉर्मूले से आपका यहां हमें जो m दिख रहा है ना मिनट, वही मिनट यहां निकालना होता है टाइम डिटर्मिनेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से होता है इसमें कि एग्जामिनर पूछता है आपसे, अभी तक तो आपसे पूछा कि टाइम देखे कि 7 20 8 20 के बीच में दोनों सुइयों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। अगला इसका जो टाइप बनेगा बच्चों ये होगा कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि एक टाइम दे दिया कि 8 से लेकर 9 के बीच में आप बताओ कि आपके जो दोनों सुइयां हैं वो 130 डिग्री 230 डिग्री चाहे 45 डिग्री चाहे 50 डिग्री चाहे 60 कोई भी एंगल डिस्टेंस आपका एंगल इन द सेंस दे दिया रहेगा किस का किस टाइम पे होगी, मतलब कि 8 से 9 के बीच में कब दोनों सुइयां 130 डिग्री के अंतराल में होंगी, ये क्वेश्चन हो गया। और इसी में कुछ आपके प्री डिफाइंड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप कहोगे सर एंगल तो दिया नहीं, दिया होता है, जैसे उसमें बोलता है 8 से 9 के बीच में आप ऐसा समय निकालिए जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों, विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जब कब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, ऐसे सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, जब इनके बीच का जो है एंगल जो होगा थीटा जो होगा 180 डिग्री होगा। बोलता है एक दूसरे के संपाती हो, संपाती का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिडेंस पूरा जो है ओवरलैप की स्थिति में हो, तो यहां थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और जब बोलता है समकोण की स्थिति में हो तो समकोण का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है आपका 90 डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री कब हो ये आपका शब्दों में करके पूछता है ये तीनों एंगल का। तो ये तीन तो हम पहले बाद में देखेंगे, अभी हम उसी एंगल पे बात करेंगे जो हमने एंगल डिटर्मिनेशन में किया था, देखेंगे कि वह सही हो रहा है क्या, उसी टाइम पे हमारा आपका सेम आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन आपके पास यही है कि 8 से 9 के बीच में, ठीक है,
एट और क्लॉक और नाइन ओ क्लॉक के बीच में आपको बताना है कि दोनों सुइयों के बीच में 130 डिग्री का गैप किस समय होगा। क्या होगा क्वेश्चन, क्या है किस समय होगा, मतलब 8 से 9 के बीच का ही टाइम चाहिए हमें। तो उस केस में हमें क्या होता है कि जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा था, आपका फॉर्मूला एक ऐसा बनेगा कि मिनट उसी को रीअरेंजमेंट करके हम निकालेंगे 2/11 इंटू 30h माइनस का आपका जो थीटा दिया रहेगा, जो दिया रहता है वो, ठीक है, ये माइनस का नहीं, ये प्लस भी होगा और यहां माइनस भी होगा। अब ध्यान रखना, जो मैंने यहां मॉड करके आपको लिख दिया था वो, और मैंने ये बताया था कि कभी h माइनस m होता है, m माइनस h होता है, उन दोनों का अब यहां रोल आएगा, थीटा वाले में रोल नहीं था क्योंकि अब मिनट हमें निकालना है। तो मिनट में इस फॉर्मूले में ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर्मूला लिख लो पहले, और जो मैं बात बता रहा हूं उसे ध्यान रखना कि कभी भी मिनट आपका निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना, मतलब निगेटिव आंसर आपका नहीं आना चाहिए। दूसरी बात कि मिनट जो है आपका वो क्या होगा, जीरो से ज्यादा होना चाहिए, जो आपका मिनट होगा वो जीरो से ज्यादा होना चाहिए और 60 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो यहां इंटरवल कितने का दिया है आपका, एक घंटे का दिया है। अगर आप यहां से मिनट निकाल रहे हो, मान के चलो मिनट आ गया 62 मिनट, तो अब ये 62 मिनट क्या क्रॉस कर गया ना, 8 से 9 का इंटरवल क्रॉस कर गया, वो 10 वाले इंटरवल में आ गया, तो ये आंसर हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान रख के इस फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे, इसीलिए हम इसका प्लस भी जो है एक्सेप्ट करते हैं और निगेटिव वाले पर भी काम करते हैं, जहां से जो आंसर आता है, जैसे कभी कभी आपका निगेटिव आ गया तो उस वाले को हम सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि देखने से पता चल जाएगा कौन सा निगेटिव आएगा। जब भी आपका यहाँ थीटा बड़ा हो गया तो समझ लो क्या हो जाएगा, इसका आंसर निगेटिव आने वाला है। जब भी आपका 60 से ऊपर हो गया, इसका जो समेशन जो है, पूरा सम जो है 330 के अबव होने लगा, तो समझ लो क्या हो जाएगा, वो आपका 60 के अबव आंसर देगा। एक एक करके देखते हैं, अभी हमारे पास ये सिस्टम है, आपका एक फॉर्मूला आ गया हमें मिनट निकालने का, वो और कहीं से नहीं आया, आंख बंद करके विश्वास कर लो, इसी को रीअरेंजमेंट हम जब करेंगे तो ये आपका आएगा। मैं 2 कॉमन यहाँ से बाहर ले लूंगा और जब ये थीटा इधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, 2/11 हो जाएगा, ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस कर लेना उस पर। अब 8 से 9 के बीच का टाइम हमें निकालना है कि कब ये 130 डिग्री के अंतराल में होंगी दोनों सुइयां। तो देख लेते हैं कि इसे हम पहले एक प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक माइनस के लिए सॉल्व करेंगे। अब 30 इंटू एच जो है, ये एच पे हम क्या रखेंगे, अब पहला सवाल तो आप लोगों के मन में ये होगा। तो बच्चों एच पे हम वही रखेंगे जो हमारा पहला होगा, 8 और 9 के बीच बुलाना। तो हमें टाइम किसके रिस्पेक्ट में बताना है, 8 के रिस्पेक्ट में बताना है कि 8:00 समथिंग मिनट पे वो 130 डिग्री आपका आएगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है, जैसे 8 के ही बताएंगे, 9 के नहीं बताएंगे कि 9:00 समथिंग मिनट, ठीक, तो 8:00 बताएंगे, तो यहाँ एच की जगह पर सिर्फ पहला वाला ही आएगा, हमेशा हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा आएगा, पहला वाला आपका केस आएगा। तो आप सॉल्व करते हैं इसे, 2/11, 30 की जगह आपको क्या रखना है, एच की जगह 8 रखना है, ठीक है, एच की जगह 8 रखना है, प्लस वाला केस ले लें, और थीटा की जगह क्या रखना है, 130 लिखना है, ठीक, और इसे सॉल्व करो। और एक अगला जो हमारा होगा 2/11, 30 × 8, 30 × 8 माइनस का 130 वाला ये होगा, इसे सॉल्व करोगे तो 240 प्लस 130 होगा और अपॉन 2/11 होगा। यहां सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 240 माइनस 130 होगा। अब एक एक करके देख लेते हैं इसे, 240 प्लस 130 क्या होगा, 4 × 3 = 7 = 2 = 1 = 3, 370 आ गया, इंटू 2/11। अब देखो ये कहीं ना कहीं मैंने बताया कि इसका सम कभी भी जब आपका 330 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, क्योंकि जब डबल मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही इसका ज्यादा जो आपका आंसर आएगा 60 से ऊपर आएगा आंसर। देखो कैसे 240 4 3 7 2 1 3 370 हो गया, इंटू 2 करोगे
तो अभी 11 से हम इसका जो 7 से 11 से डिवाइड करेंगे इसको, तो अभी देख लो 370 को 11 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 11 तिया 33, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 33 होगा, 7 में से 3 जाएगा 4, फिर से 3 बार जाएगा तो 11 तिया 33, ठीक है। यहाँ आएगा 7 आपका, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 33 सही 7/3 के 11 के अप्रोक्स ये होगा। लेकिन इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 23666। मतलब अगर अप्रोक्स हम माने कि 33 मिनट के अप्रोक्स ये जा रहा है, तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 के अप्रोक्स मिनट आएगा। मैंने क्या बोला था कि 60 से कम होना चाहिए, इसीलिए इस केस को हम नहीं कंसीडर करेंगे, इसे सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। जब भी आपका ऐसा आ जाए कि यहाँ पे 330 जो समेशन है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक, तो उस केस में क्या करोगे, जब यहाँ डबल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 330, यहाँ तो 370 है, तो 2 7 14, 2 3 6 1 7, 740/11 जब करोगे तो 60 से ऊपर आएगा मिनट, 60 से ऊपर मिनट हमें लेना ही नहीं है। तो इस वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम माइनस वाले को सॉल्व करेंगे। माइनस वाले को सॉल्व करेंगे तो 240 में से 130 माइनस करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा आपका, क्या बच जाएगा, 1, 110 यहाँ बचा, इंटू 2/11, 11 से 11 ये कट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 10 होगा इंटू 2 होगा, यहाँ आ गया कितना, 20 मिनट, ठीक है, कितना आ गया, 20 मिनट। मतलब हम कहें इससे तो हमें ये कंसीडर किए नहीं, यहाँ से एक आंसर हमारा आया नहीं, ऐसे ही ये कैंसिल हो जाते हैं आपके, ठीक। तो आया आपका क्या, 20 मिनट। तो आप बोलोगे 8:20 पर ये दोनों सुइयां जो हैं 130 डिग्री के अंतराल में होंगी, आंसर आपका यही हो गया। और यही तो था पूरा, हम अगर देखें आपसे बोलें तो मैंने यहाँ एंगल डिटरमिनेशन, मैंने टाइम लिया 8:20, जब एंगल निकाला तो हमारे पास एंगल क्या आया था बच्चों, उसका 8:20 पे 130 डिग्री आया था, ठीक है, 130 डिग्री कहाँ गया, हाँ एंगल डिटरमिनेशन वाला केस देख ले, हाँ देखो थीटा इक्वल टू 130 डिग्री आया था और एक थीटा आया था 230 डिग्री, ठीक। तो मैंने बोला 130 हो या 230 हो आपका दोनों सेम है, क्योंकि एक एक तरफ 130 बनेगा, एक तरफ 230 बनेगा, तो थीटा ये 130 कब आया, 8:20 पे ही आया। उसी हिसाब से यहां पर भी ये वाला कैंसिल हो गया, तो 20 ही मिनट पे आपका फिर से क्या 130 डिग्री में, उसी को प्रूफ किया, प्रूफ किया तो सेटिस्फाई हो गया, तो आया क्या आपका यहां पे 130 डिग्री। अब यहां बात एक चीज और ध्यान लो, बाकी बाद में इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि 0 डिग्री और 180 डिग्री ये हर एक घंटे में सिर्फ एक बार बनते हैं, कुछ एक्सेप्शन है जो टाइम है उसे छोड़कर, ठीक, हर घंटे में एक बार बनते हैं, बाकी इससे जितने भी कम डिग्री वाले हैं वो आपके हर घंटे में 2 बार बनते हैं, चाहे वो 110 हो, चाहे 120 हो, चाहे 130 हो, चाहे 140 हो, जितना भी होगा, चाहे 45 डिग्री हो, चाहे 40 डिग्री हो, जो भी एंगल होंगे आपके वो हर घंटे में आपके 2 बार मिलेंगे, ठीक है, याद रखना, जितने भी 180 से कम होंगे हर घंटे में 2 बार मिलेंगे। तो यहां तो मुझे एक ही टाइम आया कि 120 पे 130 डिग्री बन रहा है, बाकी और कहां बनेगा, बाकी आप एक जान रहे हो 130 डिग्री और 230 डिग्री, अगर आपका 230 डिग्री एक तरफ बने तो दूसरी तरफ 130 डिग्री बनेगा पक्का 100%। जैसे आपका यहां पे देखो, अगर 230 डिग्री आपकी तरफ एक तरफ बन रहा है तो एक तरफ 130 डिग्री भी तो बनेगा। तो हम एक आंसर आपका, जो मैंने कहा कि हर घंटे में बाकी जो एंगल होंगे 2 बार बनेंगे, तो देखते हैं दूसरा वाला कहां बनेगा, दूसरा वाला भी टाइम निकालने कि दूसरा वाला टाइम किस टाइम पे फिर से 130 डिग्री बनेगा। तो वो यहां से मुझे एक टाइम आया 8:20 का, एक और कहां से आएगा, वो एक 230 जब हम एंगल कंसीडर करेंगे तब आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना एक तरफ 130 बनता है तो दूसरी तरफ 230 बनता है, जब 230 कंसीडर करोगे तो वो टाइम हमें वहां मिलेगा जब वो 230 का एंगल बनाएगा, और उसी समय उधर नीचे वाला जो होगा उसका क्या होगा, 130 बनेगा। तो हमें तो एंगल से मतलब है, तो एक बार 230 वाले को लेके कंसीडर कर लेते हैं। अब ये हर केस में ना अप्लाई करना, हो सकता अगर
किसी किसी केस में आपका यही से दोनों आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वहां प्लस वाला भी सेटिस्फाई कर देगा और माइनस वाला भी सेटिस्फाई करेगा। तो आपकी जो थीटा होगा, मैंने बताया कि इसको और इसको छोड़ के हर एंगल दो बार मिलता है, तो दोनों आंसर यहां सेटिस्फाई आपका मिल जाएगा यहीं से। कभी कभी ऐसा होता है कि जब नहीं मिलता है तब आपको इस दूसरे एंगल का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होगा ये सोचने लगो सर इससे तब दो होते हैं तो इससे भी दो मिलेगा तो चार आंसर हो जाएंगे, चार नहीं होंगे बच्चों। ये ध्यान रखना कि तभी भी आपको जैसे यहां से एक केस मिला, एक आंसर मिला, तो यहां से भी आपको एक ही प्राप्त होगा, दो नहीं प्राप्त हो सकता है आंसर, ठीक, क्योंकि आपका हर घंटे में से दो ही आपके बार बनते हैं 130 डिग्री। अब देख लें 230 वाले को कंसीडर करें तो 2/11 30 × 8 माइनस, पहले प्लस वाला ले लें 230 डिग्री और दूसरा आपका ले लें कितना 240 माइनस 230 डिग्री, ठीक है, और यहां पे आपका 2/11, एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा। तो ये सिंपल सी बात है, देखो ये प्लस वाला क्या सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं करेगा। जब यहां पे 240 में हम कितना जोड़े थे 130 ही जोड़े थे तो वो 60 के अबव हो गया, तो यहां तो 230 जोड़ना पड़ रहा है तो 60 मिनट से अबव जाएगा। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहां से आंसर ही नहीं आएगा हमारा, सॉल्व करने की जरूरत है सिर्फ इसे। तो 2/11 240 माइनस 230 कितना हो जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। तो यहां हो जाएगा 2/11 और यहां 10, तो इसे करोगे कितना, मल्टीप्लाई कर लोगे 20/11, 20/11 को क्या लिख सकते हो, इसे मिनट में क्या लिख सकते हो, ये मिनट ही आया आपका, फ्रैक्शन में इसे लिखोगे क्योंकि फ्रैक्शन में कहीं कहीं आपका ऑप्शन में सेट किया गया होता है। तो फ्रैक्शन में आपका ऑप्शन में जो होगा लिखा रहेगा वो क्या होगा, 11 एक, ठीक है, आपका 1 सही 9/11, ठीक है, ये आपका मिनट होगा। यहां से 240 में से आप 230 को माइनस करोगे, यहां बचेगा 10, 10 × 20/11 तो 1911 होगा आपका। इसका मतलब कुछ टाइम ऐसा होगा कि 8 बजकर आपका कितना कहा जाए वहां पे एक एंगल मिलेगा, जैसे यहां 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने पे मिलेगा, ये 8 बजकर 1 मिनट, ठीक है, 1 सही 9/11 मिनट पे, ये पूरा मिनट है, 1 सही 9/11 मिनट, 8 बजकर 1 सही 9/11 मिनट पे आपको क्या मिलेगा, 230 डिग्री का आपका कोण मिलेगा और 130 डिग्री का भी कोण मिलेगा। ये ध्यान रखना कैसे, देखो यहां 8 बजे है तो देखो 1 मिनट की बात है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, 1 मिनट 8 बजकर 1 मिनट कुछ ऐसे यहां पर आएगा आपका एंगल, ये देखो यहां पर कुछ आएगा मिनट वाली सुई और यहां आपके घंटे वाली सुई होगी। तो ये अगर हम बात करें 130 डिग्री होगा तो ये वाला कितना होगा आपका 230 डिग्री होगा, ठीक है, ये 130 डिग्री होगा तो यहां से यहां तक ये 230 डिग्री होगा, कंफर्म है, याद निकाल लेना एंगल, जब निकालना इसी पे इसी टाइम पे एंगल निकाल लेना आपको 230 डिग्री मिलेगा, ठीक। तो जब ये 230 होगा तो ये 130 होगा, तो अभी भी तो इन दोनों के सुइयों के बीच इसी टाइम पे 130 डिग्री मिला, एक टाइम क्या मिला 8:20 मिला और एक टाइम कितना मिला 8 बजकर 1 सही 9/11 मिनट पर आपका क्या हुआ आपका 130 डिग्री एंगल मिलेगा। तो वही बात, आपके दो ही आंसर होंगे चाहे कितना भी कोशिश कर लो, जैसे यहां से एक कैंसिल हो गया इस वाले से और यहां से एक कैंसिल हो गया, यहां से माइनस वाले से आया, यहां से भी माइनस वाले से आया, तो हमें दो टाइम मिला। तो इससे यह याद रखना, बाकी हम आगे इसका डिस्कस करेंगे कि हर 0 डिग्री आपका और 180 डिग्री हर घंटे में क्यों एक ही बार बनता है, ठीक है, ये 100% है, ये एक ही बार बनता है, उसके बाद नहीं बनते हैं, एक ही बार आपके मिलेंगे उसके बाद से नहीं मिलते हैं। और उसमें भी कई जगह ऐसे एक्सेप्शन है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ जाता है कि आपके इतने यहां से यहां चलने में कितनी बार 180 डिग्री बनेगा, तो उसे हम अगले सेशन में करेंगे कि हमारा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी करेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये प्रूफ करके आपको दिखाया कि जो मैंने एंगल लिया था, जो मैंने यहां टाइम लिया 8:20, उस पे आया एंगल हमारा 130 और 230, और उसी टाइम को मैंने टाइम डिटरमिनेशन से आपका किया, तो जो आपका 130 मिलेगा वो 8:20 पे मिलेगा एक,
और एक मिलेगा कहाँ, 8:01:09 पे आपका मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, आपका चाहे 130 मिले चाहे 230 मिले, दोनों सेम होता है, क्योंकि एक तरफ जहां 230 बनेगा वही 360 में से 230 माइनस करोगे तो 130 भी बनेगा। ठीक है, तो जहां आंसर आपका ऐसा हो कि ऑप्शन में मान लो इसी का ऑप्शन सेट हुआ हो, और ऑप्शन जो सेट हुआ उस सब में दो दो आपके ऑप्शन दिए, मतलब दो दो आपके वो दिए हो, ऑप्शन ए दिया हो कि 8:20 और 8:10:09, दूसरा ऑप्शन हो 8:20 और 8:02:09, तीसरा ऑप्शन हो आपका 8:20 और 8:01:09। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि आपका इन दोनों पर 130 डिग्री मिलेंगे। ठीक, तो ये आपके क्या होंगे, टाइम डिटरमिनेशन का क्वेश्चन हो गया। एक और आप सिंपल सा एक और मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं, आप लोग करिए इसका आंसर, मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। 7:20:03 ये पूरा हो जाएगा, 20:02:03। ठीक, 7:20:02:03 के बीच जो है आपका टाइम दिया है, इसका क्या निकालो, हमारे पास पहले आप निकालो एंगल, निकालो कि इनके बीच में एंगल जो है कितना होगा, दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालो, और फिर उसी एंगल का आप लोग क्या करो, टाइम जो है डिटरमाइन करो, वेरीफाई करो कि क्या उस टाइम पे आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, आज के लिए होमवर्क है कि आप लोग क्या करोगे, 7:20:02:03 पर उस दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालोगे, उसके बाद से उसी को वेरीफाई करना टाइम में रख के कि ये टाइम किसके किसके बीच का है, 7 से 8 के बीच का है ना, तो 7 से 8 के बीच का टाइम में लेना और जो एंगल निकलेगा उसे वेरीफाई करना क्या आपका इस टाइम में वो आपका एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। धन्यवाद।